आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रदेश भर की सुर्खियों पर। हिमाचल में बनी बुखार खांसी की दवाएं खराब, उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से पूरा बैच हटाने के आदेश। हमीरपुर में अवैध कब्जे पर चला पीला पंजा, शिक्षा विभाग की जमीन पर बनाई गई 2 मंजिला दुकान साफ। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शिमला एयरपोर्ट पर मांगे 2 और हवाई जहाज। कांगड़ा चंबा के नौजवानों के लिए 12 से 21 फरवरी तक पालमपुर में सेना भर्ती। एसडीएम जंजैली और उप तहसील छतरी की अधिसूचना रद्द करने के विरोध में चक्का जाम। मंडी शिवरात्रि के लिए सजने लगा पड्डल मैदान। किसानों बागवानों के लिए खुशखबरी, अमेरिका के शोधकर्ता दिलाएंगे बंदरों से निजात, साउथ अफ्रीका में सफल रहा है प्रोजेक्ट। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय नेक्सा सोलन। और अब आगे बढ़ते हैं विस्तृत समाचारों की ओर। हिमाचल के दवा उद्योगों में निर्मित बुखार खांसी की दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। राज्य दवा नियामक ने इन उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से पूरा बैच हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों के 21 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं भी सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। हिमाचल में जिन कंपनियों की दवाएं जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई हैं, उनका निर्माण बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़, गगरेट, महतपुर व कालाम्ब में हुआ है। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवा ने बताया कि सभी दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग की जमीन पर वर्षों से चल रहे अवैध कब्जे पर शुक्रवार को प्रशासन का पीला पंजा चला। नियमों के विरुद्ध निर्मित 2 मंजिला दुकान को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर परिषद ने गिरा दिया। सुबह सवेरे ही पुलिस दल के साथ नगर परिषद के कर्मचारी अवैध निर्माण को गिराने पहुंच गए। ये देखकर संबंधित दुकानदार के होश उड़ गए तथा आनन फानन में फोन कॉल का दौर शुरू हो गया। लेकिन मौके पर पहुंचे हमीरपुर के तहसीलदार मित्रदेव मोहटल के आगे उसकी एक न चली और उसे दुकान खाली करनी पड़ी। बेसमेंट से सामान निकलवाने के बाद ऊपरी मंजिल में लगे ताले नगर परिषद ने तोड़वा दिए। इस दौरान भी दुकानदार ने नगर परिषद कर्मचारियों से बहस की, जैसे तैसे सामान को नीचे उतारा गया। दुकान खाली होने के बाद भी दुकानदार दुकान गिराने नहीं दे रहा था। बाद में उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति, एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी, एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और इसके बाद विभाग की जेसीबी ने देखते ही देखते 2 मंजिला दुकान को गिरा दिया। शिमला स्थित एयरपोर्ट में एडवांस बुकिंग के चलते सामान्य पर्यटकों व लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। इसी के चलते अब 2 और ATR 42 की डिमांड भेज दी गई है। मसलन फ्लाइट संख्या 1 की बजाय 3 की जाए। अब एयर इंडिया को इस बारे में फैसला लेना है। अप्रैल तक शिमला आने वाले पर्यटकों की एडवांस बुकिंग चल रही है। अभी तक एक ही शेड्यूल्ड फ्लाइट है जिसमें 35 पैसेंजर दिल्ली से आते हैं और 19 वापस जाते हैं। शिमला आने का क्रेज सैलानियों में इतना है कि 19,000 रुपए का टिकट भी उन्हें सस्ता दिखता है। जाहिर सी बात है, यदि एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कांगड़ा तथा चंबा जिला के नौजवानों के लिए 12 से 21 फरवरी तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। भर्ती निदेशक कर्नल रामाकृष्णन ने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए सभी उम्मीदवार अपने साथ खाद्य पदार्थ लेकर आए। भर्ती के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल का दोषी पाए जाने पर उम्मीदवार को भर्ती से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस रैली में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे जो बच्चे जो कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो अपने साथ जो है कि आधार आईडी लेकर आना चाहिए। आधार आईडी प्रूफ एक कंपलसरी है इस रैली में। इसके अलावा जो है कि 20 कॉपी फोटो लेकर आना चाहिए और जो है कि हर सर्टिफिकेट का 2-2 कॉपी है, कुछ सर्टिफिकेट का 3 कॉपी है। इसका डिटेल आपको अलग स्क्रीन में दिखाया जाएगा, उसको अच्छी तरह आप नोट करके आपने ले आना बहुत जरूरी है। डाउट्स के आपने बच कर रहना, अगर कोई डाउट के साथ इन्वॉल्व होगा तो उनको जो है कि पक्का कि पुलिस के साथ हवाला किया जाएगा।
हाई कोर्ट द्वारा एसडीएम जंजैली और उप तहसील छतरी की अधिसूचना रद्द करने के बाद जंजैली में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। शुक्रवार को भी लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाजार में रैली निकालने के बाद पंचायत घर के साथ लोग सड़कों पर बैठ गए और जंजैली छतरी मगरूगला व जंजैली भुला मार्ग बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक सड़क बंद रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सराज मंच के अध्यक्ष कुंदन लाल ने कहा, यदि सरकार इस फैसले को जल्द वापस नहीं लेती है तो हम नेशनल हाईवे भी जाम कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी का पड्डल मैदान सजना शुरू हो गया है। यहां व्यापारियों ने जहां डेरा डाल दिया, वहीं साज सजावट का सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी जब पड्डल मैदान पहुंचा, तो वहां डोम स्थापित करने का काम जोरों पर चला हुआ पाया गया। इसी तरह झूले वाले भी झूले लगाने में व्यस्त नजर आए। दिल्ली से आए झूला व्यापारी ने बताया कि उन्हें इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दिल्ली से आए हैं ये शिवरात्रि का महाशिवरात्रि के मेले के लिए, और हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के झूले लगाएंगे। हम दूसरी बार आए हैं, अभी आगे देखो इसमें घाटा होता है या मुनाफा होता है, वो तो शिव जी की उसमें वो है। और अब किसानों बागवानों के लिए ये खास खबर। बंदरों के उत्पात से अपना सुख चैन गवा चुके किसानों बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका के शोधकर्ता ऊना में 4 महीने तक बंदरों पर रिसर्च करेंगे। विशेषज्ञ पता लगाएंगे कि बंदर कैसे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है। साउथ अफ्रीका में इस तकनीक के सफल परिणाम निकले हैं। ऐसे में प्रोजेक्ट सफल होता है तो प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत होगी। 4 महीनों में अमेरिका के रिसर्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु के प्रोफेसर डॉक्टर सिंधु राधाकृष्णन के नेतृत्व में अपना शोध करेंगे, जिसमें गांव-गांव जाकर लोगों से जानकारी जुटाई जाएगी। डीएफओ ऊना यशुदीप सिंह का कहना है कि किसानों बागवानों को उत्पाती बंदरों से निजात दिलवाने के लिए पायलट आधार पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इनके साथ कोलैबोरेशन में हम फील्ड स्टडीज करेंगे 4 महीने के लिए लगातार, जिसमें हम असेस करेंगे कि किस तरह से बंदर ऊना में नुकसान देते हैं खेतों को, और जो स्ट्रेटजीज इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनाई थी इस बंदरों के नुकसान, जो खेतों में नुकसान होता है, उससे निजात दिलाने के लिए, क्या वही स्ट्रेटजीज ऊना में कामयाब होगी कि नहीं। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स 4 महीने तक लगातार किए जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजीज जरूर लेके आएंगे ऊना जिला के लिए, जो कि बंदरों से जो नुकसान होता खेतों को वो कम से कम हुआ। आज आपको लेकर चलते हैं मंडी के बॉयज स्कूल के ओ ब्लॉक में। देखिए 152 वर्ष पुराने ओ ब्लॉक पर ये स्पेशल फीचर। आज आपको लिए चलते हैं छोटी काशी और राजाओं की नगरी मंडी में, और दिखाते हैं एक स्कूल की भव्य इतिहास गाथा। बिल्कुल सही सुना आपने, 152 वर्ष पुराने रंग रूप में लौटेगा बॉयज स्कूल मंडी का ओ ब्लॉक। जिस भवन को आप देख रहे हैं वह ना तो किसी राजमहल का हिस्सा है और ना ही कोई प्राचीन मंदिर, ये विद्या का मंदिर है। ऐसा विद्या मंदिर जो 1.5 शताब्दी पूरी कर चुका है। मंडी का यह वही बॉयज स्कूल है जहां प्रदेश के पहले मंत्री गौरी प्रसाद, संचार क्रांति के जनक पंडित सुखराम, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष किशन चंद वैद्य पढ़े, और भी ना जाने कितनी बड़ी हस्तियों ने यहाँ शिक्षा हासिल की। कई वर्षों से यह विद्या मंदिर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मंडी रियासत के राजा विजय सेन ने 12 अक्टूबर 1866 को एंग्लो वर्नेकुलर मिडिल स्कूल के रूप में इसकी स्थापना की थी। देवदार की महंगी लकड़ी, प्राचीन काष्ठकुणी शैली से अंग्रेजी वर्णमाला के ओ अक्षर के आकार पर इसे तैयार किया गया था। बीते एक अरसे से यह भवन बदहाल हो चुका है। इसी बीच पता चला है कि अब यह पुराने रंग रूप में लौटेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वे की रिपोर्ट के बाद 152 वर्ष पुरानी इस धरोहर को बचाया जाएगा। मंडी शहर में चल रही टूरिज्म सर्किट योजना के तहत इस भवन को पुराना रूप दिया जा रहा है। आने वाले समय में विद्या का यह मंदिर ना सिर्फ इतिहास को संजोए रखेगा, बल्कि अपनी प्राचीन विरासत को देखकर आने वाली पीढ़ियां भी इस पर गर्व महसूस करेंगी। इन दिनों
लाखों खर्च कर इस भवन को 1866 का रूप देने पर काम चला हुआ है, जो कि अगले चंद महीनों में पूरा हो जाएगा। इसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विजय हाई स्कूल ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रयासों की भी हर कोई सराहना कर रहा है। इस एसोसिएशन का गठन कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इस आधार पर किया था कि जो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग है, इसका जो है स्वरूप ऐसा का ऐसा बना रहे। इस संस्था को अक्टूबर 2006 में बनी थी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो अप्रैल 2007 को हुई थी। एक ही मुद्दे को लेकर चली हुई थी कि इस का जो है स्वरूप एज इट इज जैसा है वैसा ही रखा जाए, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। और इसमें हमने पहले भी सरकारों को लिखा था कि इसको म्यूजियम बनाया जाए और पुस्तकालय बनाया जाए और बच्चों के लिए जो आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा और वाद विवाद प्रतियोगिताओं के लिए इसको इसका इस्तेमाल किया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा तो इसका ही रहा कि इसको इसी रूप में रखा जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से अमन अग्निहोत्री के साथ चमन शर्मा की रिपोर्ट। और अब चलते चलते गगल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान खराब, दूसरी फ्लाइट से भेजे यात्री। कोटखाई गैंगरेप मर्डर मामले में पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी के खिलाफ सीबीआई ने तैयार किया चालान। कुल्लू के मठ में 3 मंजिला मकान जला, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। हिमाचली तड़का में आज सुनते हैं रेशमा शाह की आवाज में ये किन्नौरी लोकगीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल। दिव्य हिमाचल न्यूज़ बुलेटिन इज़ ब्रॉट टू यू बाय नेक्सस सोलन।